जय हिंद दोस्तों, मैं राजकुमार, आप सभी का अपना चैनल राज मैथवाला में आप सभी का स्वागत है। आइए हम लोग पढ़ते हैं SSC MTS का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। इसके पिछले क्लास में हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 तक, और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। सेट नंबर है 11/7/2022 का प्रथम शिफ्ट का प्रश्न, ठीक है। देखिए प्रश्न 6 क्या कर रहा है। एक कक्षा की 8 लड़कियों की औसत आयु वाई वर्ष है। वाई प्लस 3, वाई माइनस 6, वाई प्लस 15, वाई प्लस 8 और वाई प्लस 6 आयु वाली 5 नई लड़कियां कक्षा में शामिल हो जाती है। आप कक्षा की लड़कियों की औसत आयु कितनी है? देखिए शुरू में जो लड़कियां 8 लड़कियां हैं, 8 लड़कियां हैं जिसके औसत आयु क्या है, वाई वर्ष है। अब 5 और लड़के शामिल हो रही है जिसके जिसकी उम्र क्या है, वाई प्लस 3, दूसरा क्या है, वाई माइनस 6, तीसरा है वाई प्लस 15, वाई प्लस 15, चौथा है वाई प्लस 8 और पांचवा है वाई प्लस 6। देखिए औसत तो सभी में समान है, जो वाई और सभी 8 लड़के का है तो इसमें भी वाई है, इसमें भी वाई है, मैं सभी 5 में वाई है, यानी औसत के बराबर है। अब अंतर कहाँ आ रहा है, जो जो यह उम्र बढ़ रहा है या कमी हो रहा है इसके में अंतर आ रहा है। तो पहले देखते हैं कितना संख्या बढ़ रहा है, प्लस 6 और माइनस 6 यानी कितना, माइनस का 3, माइनस 3 और प्लस 15 यानी प्लस का 12, 12 8 20, 20 से 6 26, टोटल जो उम्र है उम्र 26 वर्ष की वृद्धि हुआ है। ये कब हुआ, जब 5 लड़के और आई है, तब 5 और लड़की आई है जिसके वजह से 26 वर्ष की वृद्धि हो गया है। अब इसका औसत में कितना वृद्धि हुआ है, तब पहले से 8 लड़कियां थी अब 5 और आ गई है, यानी अब लड़कियों की संख्या कितना हो गया, 8 5 13 13 लड़कियां। तो जो भी औसत में बढ़ा गया तो सभी में औसत तो निकलेंगे, सभी में बराबर बढ़ेंगे, तो उम्र में कितना बढ़ा है 26 और लड़के कितना है 13, तो 13 से भागा करेंगे तो 13 2 26, यानी जो औसत है उससे 2 वर्ष अधिक होगा। तो सभी का औसत क्या है, पहले क्या था, वाई वर्ष था, और 5 और लड़के आने से सभी का औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हुआ था, वाई प्लस 2। ऑप्शन नंबर डी। आइए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए एक ग्राफ दिया है जिसमें पूछ रहा था, निम्नलिखित तालिका में दिए गए आंकड़ों के अनुसार 18 वर्ष से कम आयु के विद्यार्थी और 18 वर्ष या उससे अधिक आयु विद्यार्थी की संख्या का अनुपात क्या होगा। देखिए ये मेरा जो ऊपर उम्र दिया है और निचला संख्या दिया है विद्यार्थी की संख्या, प्रश्न पूछ रहा है 18 वर्ष कम या 18 वर्ष अधिक या 18, देखिए 18 वर्ष कम विद्यार्थियों की संख्या या 18 या 18 से अधिक विद्यार्थियों की संख्या के उम्र के अनुपात पूछ रहे हैं। तो देखिए 18 से लेकर 18 से 24 यानी जो 18 इसमें शामिल है, देखिए या 15 से 18 तक, यानी पूरा पूरा 18 नहीं है, तो इस 18 से कम क्या हो गया इस सभी संख्या, और 18 और 18 से बेसी क्या है 17 और 7, इसे जोड़ते हैं कितना है 24, और इसे जोड़ते हैं 18 12 30 36 56 56 60 70 70 आ गया। 18 वर्ष कम जो विद्यार्थी की संख्या है उसका उम्र कितना संख्या है 70 है, और 18 या 18 से अधिक है कि विद्यार्थी की संख्या कितना है 24 है, और दोनों का रेशियो निकालना है तो 70:24 ऐसे काटते हैं, कटेगा 200 तो 35:12। ये मेरा विद्यार्थी की संख्या है 18 वर्ष कम की उम्र है और ये 18 वर्ष से अधिक उम्र है, तो 35:7:12 ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए प्रश्न 8 क्या कर रहा है। एक कपड़ा विक्रेता 65 मीटर कपड़ा 11 रुपये प्रति मीटर के लाभ पर 5,850 में बेचता है, तो 1 मीटर कपड़ा का क्रय मूल्य क्या होगा। देखिए एक मेरे पास एक कपड़ा है जो कितना मीटर का है 65 मीटर का, 65 मीटर का मेरे पास कपड़ा है जिसे बेच रहा है 5,850 रुपये में। जब 5,000 प्रत्येक मीटर को हम बेच रहे हैं तो हमको जो लाभ हो रहा है प्रत्येक मीटर 11 रुपये का लाभ हो रहा है, तो ये मेरा विक्रय मूल्य दिया है, SP दिया है, और ये मेरा मीटर से दिया है, तो 1 मीटर का दाम निकालने क्या करेंगे इसे भाग करेंगे, तो 5,850 में 65 से भाग देंगे, 1300 का 13 5 65 1352
आंसर 400 फिनिश करते हैं 90 45 90। जो मेरा विक्रम मूल्य है एसपी कितना है 90 रुपये। ये तो मेरा एसपी है। और पूछा गया क्रय मूल्य क्या होगा, तब प्रश्न में कह रहा है कि पड़ता के मीटर हम बेच रहे हैं कपड़ा तो हमको 11 रुपये का लाभ हो रहा है। अगर हम जो मेरा एसपी है उसमें लाभ घटा दें तो मेरा क्या होता है क्रय मूल्य होगा। सीपी बराबर होता है एसपी माइनस प्रॉफिट। एसपी कितना है 90। अब पड़ता के मीटर हमको लाभ, एक मीटर का दाम हमको निकला है 90 रुपये, और प्रत्येक मीटर हमको 11 रुपये लाभ होता है, इसमें घटाएंगे कितना आएगा 79 रुपये। ये मेरा सी पी आएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। देखिए प्रश्न 9 क्या कह रहा है, निम्न समीकरण में पर चिन्ह के स्थान पर इसका मान क्या होगा। तो प्रश्न दिया है 8 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर माइनस 19 का स्क्वायर बराबर इसका पावर क्यू माइनस 257। इसको हल करना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64, 16 का स्क्वायर 256 और 19 का स्क्वायर 361 माइनस का 361 बराबर एक्स पावर क्यू माइनस 257। देखिए हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं, इस तरह माइनस समझ, इस तरह प्लस होगा तो प्लस 257 बराबर एक्स पावर क्यू। देखिए अब इसको हम जोड़ते हैं तो 6 6 13 13 4 13 4 17 हासिल बचा 1 6 6 5 11 11 11 6 17 3 3 2 5 577 में 361 घटा देते हैं, ठीक है ना। 6 1 2 216 216 बराबर इसके पावर क्यू। 216 क्या है, तो 6 का क्यू होता है, तो 6 का क्यू बराबर इसके पावर क्यू। पावर से पावर कैंसिल होगा तो x का मान आएगा 6, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। आइए भाई देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। प्रश्न 10 क्या कर रहा है, 32,000 रुपये की राशि पर एक सामान्य वार्षिक दर से 2 वर्षों में प्राप्त साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 80 रुपये है। तो ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने की स्थिति में चक्रवृद्धि ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए या तो आप अलग अलग निकालिए या इसका फॉर्मूला होता है और सी आई सी और एस आई दो साल का अंतर दिया रहे, सी आई और एस आई दोनों का दर मेरा समान है, तो होता है क्या जो मेरा दर है रेट का परसेंट स्क्वायर बट्टा 100% और दो साल मेरा राशि भी समान है, जो मेरा मूल्य राशि है वो समान है और दर भी समान है, तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दो साल का अंतर क्या होता है दर का स्क्वायर बट्टा 100%, ठीक है। तो राशि मेरे पास कितना है, अगर हम डायरेक्ट इसका निकाल दें जो 32,000 रुपये मेरे पास राशि है, 32,000 राशि है, इसका अगर आर परसेंट बट्टा 100 परसेंट का चिन्ह हटा दें बट्टा में 100 आएगा, तो कितना हमको ब्याज मिल रहा है, दोनों का अंतर है 80 रुपये। दो साल हम चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का मेरा अंतर कितना है 80 रुपये, तो 32,000 रुपये का राशि है, इसको दोनों के साल का अंतर क्या होता है जो दर होता है तो दर का स्क्वायर बटा 100% तो परसेंट का चिन्ह होता है बटा में 100। अब तीन जोड़ कैसे लोगे, जो करते हैं 8 से 8 चौके 32 फिंच और बचा है 10, इस तरह 10 बचा है तो 2 से कटते हैं 5 बार में 2 से कटा 5 बार में, यहाँ 10 बचा हुआ था 2। तो अब मेरा आर कितना आ गया, सॉरी 5 है, तो आर बराबर आ गया 5, यहाँ बचा हुआ नीचे 5 बचा हुआ था 5, तो आर स्क्वायर बराबर, सॉरी स्क्वायर बराबर है, तो आर स्क्वायर बराबर है 5 × 5। जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस तरफ रूट जाएगा, रूट के अंदर जब 2 का जोड़ा बढ़ रहा है तो एक बाहर निकल जाता है, तो आर का मान आ गया 5। यानी जो मेरा चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज दो दर है, जो दर तो मेरा समान है, दर कितना है 5%। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।